तो कैसे हैं क्रेजी मैन न्यूज चैनल, कैसा लग रहा है आपको? दिखा रहे हैं हम द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद ठाकुर द्वारा तहसील में चार रोज पहले नगर में मोहम्मद शफी मेमोरियल अस्पताल पर उपचार के दौरान एक मरीज की जान डॉक्टरों की लापरवाही से चली गई, जहां गुस्साए परिजन नगरवासियों वे एजान खान सनातन धर्म हिंदू इंटर कॉलेज का छात्र है, यहां छात्रों ने जमकर हंगामा किया था। वहीं एजान खान 16 वर्षीय तीन बहनों का इकलौता भाई है। आज अस्पताल को उपजिला अधिकारी द्वारा डॉक्टरों की टीम द्वारा यहां सीज कर दिया गया है। नगर में गुस्साए परिजनों का कहना है फर्जी अस्पताल इसी तरह से मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। बिना डिग्री किए हुए डॉक्टर खुद को डिग्री होल्डर बताते हैं। वहीं शफी मेमोरियम मरीजों के साथ लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इधर को आ जाओ, हम फोटो ले लेते हैं इनका आपस में। मंडे में शशि मेमोरियल में एडमिट कराया, एडमिट कराने के बाद में ट्रीटमेंट चलता रहा शशि मेमोरियल में। उन्होंने सोचा कि मतलब बच्चे की हालत बिगड़ी है, रात में एनजीओ को लाभ ले जाएंगे, सुबह में जो है फिर ले आना दोबारा से। सुबह में फिर लेकर हम दोबारा उन्होंने एडमिट कर लिया, तीन चार दिन एडमिट रखा। उसका टेस्ट वगैरह पता नहीं कौन सी लेट पर कराए, क्या कराए। उनके पापा को मैं खुद भी गया तो आश्वासन देता है कि आप टेंशन न लें, ये सब बुखार है जैसे फुफा छाती में नाराज हो जाता है, और ये बुखार ऐसा है जो खुद उतर जाएगा। टेस्ट इसका आप खुश होइए, क्योंकि रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा। आखिरकार खांसी को बच्चे की नौबत आएगी, उनके बीपी दोपहर में 60 था। अस्पताल को फिर से ना चालू होने देने पर जनता ने सवाल उठाए। वहीं परिजनों का कहना है कि ऐसे अस्पताल छात्र के दौरान हमेशा मृत्यु हो गई थी, मरीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे डॉक्टर शिकायत की मासूम एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उसी के मरीजों के साथ लेकर खिलवाड़ कर उनकी जान तक ले डालते हैं। गुरुवार से राष्ट्रीय रिपोर्टर सगीर चंकी पांडे की रिपोर्ट। तत्पश्चात ये कार्रवाई की गई है, कुछ समय पहले ही जिसकी समय अपनी समाप्त हो गई थी, जो सीएमओ से रजिस्ट्रेशन मिलता है, परंतु उसके बाद भी अस्पताल संचालित था। अस्पताल में जो 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 निर्धारित सीमा थी उससे अधिक बेड जो है उन पर रोगियों का इलाज हो रहा था, और सफाई के मानक पे तब कुछ आईपीडी में पेशेंट थे। दो मुख्य वार्ड थे जहां हमने निरीक्षण किया, तो एक वार्ड में करीब चार पांच लोग और एक में जो अंदर वार्ड था
उसमें 7-8 लोग थे, उनका उपचार चल रहा था, बाकी ओपीडी के कुछ पेशेंट थे। हम लोगों ने तत्काल उन जो भी सभी मरीज थे उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद हमने आगे कार्रवाई की है।